गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हमने ये पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है, बताऊँ क्या हमने पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्शंस। क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्शंस। अब देखो कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे अभी तक हमने जैसे चैप्टर पढ़ा ना, पहले हमने कभी कभी कोई चैप्टर पढ़ा तो जैसे उसमें हमने पढ़ा, जैसे ऐसे लिखा हुआ था, जैसे हमने क्या लिखा हुआ था, जैसे ये लिखा हुआ था आई और यहाँ पर डॉट लगा रखा था, यहाँ पर एम लिखा हुआ था, तो हमने इसको क्या पढ़ा? आई एम। ठीक है, तो जैसे कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो है क्या, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन। वी समटाइम्स यूज शॉर्ट फॉर्म्स फॉर सम वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वी यूज आई apostrophe बोलते हैं इसको, apostrophe m for I am and I apostrophe ve for I have. These shortened words are called contractions. ठीक है, तो इन ये जो बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं उनको जब हम सॉल्ट कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। द मार्क apostrophe, देखो ये वाला जो मार्क है उसको लिख रखा है उन्होंने, इज एन apostrophe. क्या बोलते हैं उसको? Apostrophe. अब देखो इसको एक साथ पढ़ना है, देखो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? V और will. तो V के बाद हमने apostrophe लगा दिया और W और I को गायब कर दिया, और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? W और I को गायब करके क्या लगा दिया? Apostrophe. अब cannot में क्या कर दिया? एक जो N था और एक जो O था, इसको गायब कर दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? apostrophe. वैसे ही वी हैव में H को उड़ा दिया और A को भी उड़ा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया फिर? apostrophe. फिर यू हैव में भी सेम किया, H A हटा दिया, देयर इज में देखो I हटा दिया और देयर apostrophe लगा दिया और S लिख दिया. ठीक है, वट हैव में H A हटा दिया, वी आर में A हटा दिया, दे आर में A हटा दिया. क्लियर है? समझ आए? Yes, sir. अब देखो ये आपके करने के लिए है. Write the contractions for the following phrases. Has not, इसमें क्या गायब होगा? N. No. N-O. Not, not वाले में नहीं. Not वाले में गायब क्या होता है? देखो has लिखोगे, N भी लिखोगे, O गायब होता है इसमें. O गायब. ठीक है, not वाले में हमेशा O गायब होगा. Have not में क्या गायब होगा? O. O. Haven't. क्या बोलते हैं इसको? Have not भी बोल सकते हो, लेकिन जब सॉल्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं haven't. ये है hasn't. Hasn't. Do not. अब इसमें क्या गायब होना है? O. तो इसको लिखते हैं हम, एक apostrophe लगा देते हैं एन के बाद और क्या हो गया ये? Do not. तो ये है, ये क्या है? Don't. आर नॉट में O. आर अब क्या पढ़, कैसे पढ़ोगे इसको? aren't. aren't. क्या बोलोगे? aren't. Write the full forms of the following. अब देखो इसमें full form लिखनी है. क्या है ये? were not. को इन्होंने क्या कह रहा, ब्रेक करके ये बनाया था. इन दोनों को, इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म ये थी. ये क्या? was not. वेरी गुड. ये सील. ये तो देखो डबल एल है ना, तो डबल एल देखो किसके लिए आया था? विल. विल. सी विल. क्लियर है? यस सर. और ये क्या है? वूज. आई एस. वेरी गुड. हु इज. हु इज के लिए ये. क्लियर है? यस सर. समझ आ गया? यस सर. तो अब कहीं पर भी लिखा हुआ होगा ऐसा, किसी भी चैप्टर में या कहीं पे भी लिखा हुआ है, जरूरी नहीं हम बुक्स के अंदर, माना आप कोई दूसरी कोई मैगजीन पढ़ रहे हो या माना कहीं पोस्टर लगा हुआ है वहां पर भी आप पढ़ रहे हो, तो वहां पर भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये किसको, किसकी फुल फॉर्म है और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है. क्लियर है? यस सर.